चुनावी समीकरण में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। लोकसभा चुनाव के चार चरण के मतदान के संपन्न होने के बाद अब बात करेंगे महाराष्ट्र के पांचवें चरण की, जिसमें धुले, डिंडोरी, नासिक, पालघर, भिवंडी, कल्याण, थाने, मुंबई नॉर्थ, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर मध्य और मुंबई दक्षिण मध्य और मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट शामिल है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से 6 सीटें मुंबई में है, जिनमें मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई उत्तर पश्चिम, मुंबई नॉर्थ मध्य, मुंबई दक्षिण और मुंबई दक्षिण मध्य शामिल है। 6 सीटों में से हम सबसे पहले आप बात करेंगे मुंबई उत्तर निर्वाचन क्षेत्र की। यहाँ दहिसर, मगाधेर, गोबीवली, कांदीवली, मलाड और गोवेगांव शामिल है। इस सीट से बीजेपी के गोपाल शेट्टी मौजूदा सांसद हैं। जानते हैं 2019 में मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने तत्कालीन निवर्तमान शेट्टी के खिलाफ अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर को खड़ा किया था। इसमें 71% मतदान हुआ था। शेट्टी लगभग 71% वोट शेयर के साथ एक मजबूत विजेता बनकर उभरे, जबकि उर्मिला मातोंडकर 24% के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। जानते हैं कि इस बार मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर किन प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला है। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी से केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष गोयल के खिलाफ कांग्रेस के भूषण पाटिल मैदान में है। दरअसल मुंबई उत्तर लोकसभा सीट से प्रत्याशी और केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। पीयूष गोयल को भाजपा के मुंबई उत्तर उम्मीदवार के रूप में अपनी पहली चुनावी परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। वो नरेंद्र मोदी सरकार के शीर्ष मंत्रियों में से एक है और पिछले 10 वर्षों में महत्वपूर्ण मंत्रालयों के प्रभारी भी रहे। वर्तमान में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री हैं। वहीं मुंबई उत्तर सीट से आम चुनाव लड़ रहे भूषण पाटिल कांग्रेस की मुंबई इकाई के उपाध्यक्ष हैं। उन्होंने पहले 2009 में बोरीवली निर्वाचन क्षेत्र से महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव लड़ा था। पाटिल, जो पिछले 25 वर्षों से सबसे पुरानी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मुंबई इकाई के कोषाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने काम किया है। वो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सलाहकार बोर्ड पैनल का भी हिस्सा है। बता दें कि मुंबई उत्तर सीट साल 2014 और 2019 में भी भाजपा के पास चली गई। मुंबई उत्तर लोकसभा सीट पर साल 2004 और 2009 में कांग्रेस का कब्जा रहा। 2014 की मोदी लहर में ये सीट फिर से भाजपा के खाते में चली गई और 2014 के चुनाव में बीजेपी से गोपाल शेट्टी बड़े वोट के अंतर से जीते। साल 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने गोपाल शेट्टी को फिर से प्रत्याशी बनाया। शेट्टी ने फिर से पूर्व का आंकड़ा दोहराते हुए कांग्रेस प्रत्याशी को 4,65,247 वोटों से हराया था। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई से आने वाले पीयूष गोयल लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी जड़ों की ओर लौटेंगे और मुंबई उत्तर सीट से दावेदार के रूप में एक और दिग्गज गोपाल शेट्टी की जगह लेंगे। यानी ये सीट किसके खाते में जाएगी, ये देखना होगा। बढ़ते आगे और बात करते हैं मुंबई की दूसरी लोकसभा सीट की। दूसरी सीट है मुंबई उत्तर पूर्व। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र का एक लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। मुंबई उत्तर पूर्व निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा सीट से बीजेपी से मिली चंद्रकांत कोटेचा चुनावी मैदान में, तो वहीं शिवसेना उधमपुर से संजय दीना पाटिल उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। बात करें 2019 लोकसभा चुनाव की तो इस सीट से बीजेपी के मनोज किशोर भाई कोटक ने जीत हासिल की थी। उन्हें 5,14,599 वोट मिले थे, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के संजय दीना पाटिल 2,88,113 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे और वीबीए के निहारिका कोंडाले 68,239 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। इसके पहले 2014 के इलेक्शन में बीजेपी के किरीट सोमैया ने 5,25,285 वोट पाकर यहां से जीत हासिल की। एनसीपी के संजय पाटिल को 2,08,163 वोट, तो वहीं आप पार्टी से खड़ी हुई मेधा पाटकर ने 76,451 वोट पाकर तीसरा स्थान पाया। अब बात करते हैं मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की। मुंबई उत्तर मध्य क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य का एक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। वर्तमान में 2008 में संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के कार्यान्वयन के बाद मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल किए गए। इस सीट पर किसी भी पार्टी का दबदबा नहीं रहा है। कभी यहाँ से बीजेपी जीती तो कभी कांग्रेस, शिवसेना और आरपीआई के उम्मीदवार भी यहाँ से जीतने में सफल रहे हैं। जानते हैं इस सीट का चुनावी समीकरण।
मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा सीट से इस बार बीजेपी ने वकील उज्जवल निकम को मैदान पर उतारा है। तो की 26/11 मुंबई ट्रेन ब्लास्ट केस में सरकारी अभिवक्ता थे, उनके खिलाफ कांग्रेस ने वर्षा गायकवाड़ को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतार दिया है। बात की जाए 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो यहां से इस सीट पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में सीधा मुकाबला था। इस सीट से बीजेपी के पूनम महाजन ने जीत हासिल की थी, जबकि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रिया दत्त दूसरे स्थान पर रही और वीवीए के अब्दुल रहमान अंजारिया 33,703 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। उसके पूर्व यानी कि 2014 के लोकसभा चुनाव में प्रिया दत्त को मोदी लहर में बीजेपी की पूनम महाजन के हाथों मात खानी पड़ी थी। लेकिन इस बार जो है सीट पर प्रत्याशी जो है उज्जवल निकम और वर्षा गायकवाड़ दोनों के बीच मुकाबला टक्कर देने वाला है। देखना होगा कि इस बार इस सीट से कौन अपनी जीत दर्ज करेगा। अब बात मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट की। ये महाराष्ट्र का ऐतिहासिक क्षेत्र है। ये संसदीय सीट मुंबई शहर जिले की 6 विधानसभाओं को मिलाकर बनाई गई है। बात करें मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास की, तो यहाँ पहला चुनाव 1952 में हुआ और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े एसके पाटिल विजयी हुए। उन्होंने लगातार 1957 और 1962 में सीट पर कब्जा जमाए रखा। इस लोकसभा सीट शिवसेना वर्सेस शिवसेना है। जानते हैं कि मुंबई दक्षिण सीट का चुनावी समीकरण आखिर क्या कहता है। मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट पर शिवसेना उद्धव गुट से अरविंद सावंत चुनाव लड़ रहे हैं। उनका चुनावी मुकाबला शिवसेना शिंदे गुट की यामिनी जाधव से हो रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो शिवसेना एक संघ थी, बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा था, लेकिन अब शिवसेना के दो गुट हो चुके हैं। साल 2014 में ये सीट शिवसेना के खाते में चली गई। इस सीट पर शिवसेना के अरविंद सावंत सांसद बने, वर्तमान में भी वो यहाँ से सांसद हैं। साल 2014 के चुनावी परिणाम पर नजर डालें तो शिवसेना के अरविंद सावंत का सामना कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा से हुआ। अरविंद सावंत ने ये चुनाव 1,28,564 वोटों से जीता। साल 2019 के चुनाव में शिवसेना और कांग्रेस ने फिर से इन्हीं दोनों प्रत्याशियों पर भरोसा जताया। शिवसेना के अरविंद को 4,21,937 तो वहीं कांग्रेस के मिलिंद देवड़ा को 3,21,870 वोट मिले थे। अरविंद सावंत ने ये चुनाव 1,67,000 वोटों से जीता था। हालांकि इस बार दोनों प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार कौन जीत का परचम लहराएगा। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र का महत्वपूर्ण संसदीय क्षेत्र है। इस लोकसभा क्षेत्र में जोगेश्वरी पूर्व, दिंडोशी, गोरेगांव, वर्सोवा, अंधेरी पश्चिम और अंधेरी पूर्व विधानसभा सीटों को समाहित किया गया है। ये महाराष्ट्र की राजधानी भी है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है, को अभिनेता से नेता बने सुनील दत्त के कारण प्रसिद्धि मिली, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के तहत 18 वर्षों तक इस सीट से सांसद के रूप में कार्य किया। फिल्म उद्योग से उल्लेखनीय संबंध रखने वाले इस निर्वाचन क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में कई दिलचस्प मुकाबले हुए हैं, ये जानेंगे। लेकिन पहले बताते हैं कि इस सीट से कौन प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से शिवसेना उद्धव गुट से मुंबई उत्तर पश्चिम उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहीं उनके सामने शिंदे गुट की शिवसेना से रविंद्र वायकर चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों के ही बीच सीधा मुकाबला यानी सीट पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना। 2014 में सीट पर फिल्म इंडस्ट्री के दबदबे को तोड़ते हुए शिवसेना के गजानन कीर्तिकर विजयी हुए। 2019 के आम विधानसभा चुनावों में मुंबई उत्तर पश्चिम में कड़ी प्रतिस्पर्धा देखी गई। एसएचएस उम्मीदवार गजानन कीर्तिकर ने 2019 के आम चुनाव में 5,70,063 वोट हासिल करते हुए 2,60,328 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। गजानन कीर्तिकर ने कांग्रेस के संजय निरूपक को हराया, जिन्हें 3,09,735 वोट मिले। आइए एक नजर डालते हैं मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट के विवरण पर। 2014 में शिवसेना के गजानन कीर्तिकर ने 4,64,820 वोटों के साथ जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस के गुरुदास कामत 2,81,792 वोट पाकर दूसरे स्थान पर रहे। जिस संसदीय क्षेत्र में राजगृह हो, जहां पर बैठकर भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद लिखे हैं, जिस सीट के अंतर्गत शिवाजी पार्क आता हो, जहां पर शिवसेना के संस्थापक प्रमुख बाला साहेब ठाकरे ने दशहरा रैली पर शिव सैनिकों में जोश भरा है, जिस संसदीय क्षेत्र में सेना भवन स्थित हो, जहां एशिया का सबसे बड़ा स्लम धारावी
उस दक्षिण मध्य मुंबई लोकसभा सीट पर इस बार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की साथ की लड़ाई है। यही वजह है कि इस सीट पर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और बालासाहेब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि यूबीटी की असर परीक्षा मानी जा रही है। इस सीट पर जिसका उम्मीदवार जीतेगा उससे साफ हो जाएगा कि मराठी मतदाता आखिर किसके साथ। मुंबई की इस दक्षिण मध्य मुंबई की लोकसभा सीट से महायुति में शामिल शिवसेना के राहुल शेवाले चुनाव लड़ रहे हैं। वो इस क्षेत्र के मौजूदा सांसद हैं। इस सीट पर इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट ने राज्यसभा सांसद अनिल दोसाई को चुनाव लड़ाने के लिए मैदान में उतारा है। इसलिए इस सीट पर शेवाले की राह आसान नहीं मानी जा रही है। अगर पिछली लोकसभा चुनाव यानी 2019 की बात करूं, तो इस सीट पर अभिभावित शिवसेना से राहुल शेवाले 1.5 लाख वोटों से जीते थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस के उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ को हराया था, लेकिन इस बार शिवाले के लिए राह आसान नहीं मानी जा रही। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछली बार चुनाव में शिवसेना एक थी, लेकिन अब शिवसेना में 2 गुट हैं। पार्टी में 2 गुट होने के बाद पहली बार कोई चुनाव हो रहा है। ऐसे में शिव सैनिकों को मराठी मतदाताओं का समर्थन किसे प्राप्त है ये सामने नहीं आया है। लेकिन पिछले 2 वर्षों में जो कुछ हुआ है उसे शिवसेना यूबीटी के प्रति मराठी वोटरों में सहानुभूति है। अगर शिवसेना के वोट में विभाजन हुआ और वो वोट और इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों के वोट देसाई को मिला तो ये सीट शेवाले के लिए आसान है। तो ये जानना आप दिलचस्प होगा कि मुंबई की इस दक्षिण मध्य मुंबई की लोकसभा सीट से कौन अपनी जीत का परचम लहराएगा। इसके नतीजे तो हम 4 जून को ही जान पाएंगे कि कौन कहां से जीता और कहां से हारा। अब बात महाराष्ट्र की अहम और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट की, जो कि है कल्याण लोकसभा सीट। ये सीट सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र महाराष्ट्र राज्य के 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है। ये सीट इसलिए भी हॉट सीट मानी जा रही है क्योंकि यहाँ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। जानते हैं इस सीट का चुनावी समीकरण। महाराष्ट्र की अहम और महत्वपूर्ण सीट कल्याण लोकसभा सीट, जिस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अपने बेटे श्रीकांत शिंदे को कल्याण लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया है, यानी बीजेपी की ओर से सीट से श्रीकांत शिंदे चुनाव लड़ रहे हैं। और उनके सामने हैं वैशाली दारेकर, राणे शिवसेना। उद्धव गुट की वैशाली दारेकर राणे इस हाई प्रोफाइल सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। ठाकरे ने पूर्व मंच से नेता वैशाली दारेकर राणे को श्रीकांत के खिलाफ खड़ा किया है। श्रीकांत शिंदे की नजर कल्याण से हैट्रिक पर है, लेकिन इस बार चुनावी लड़ाई अलग है। उन्हें ठाकरे परिवार के वफादार मतदाताओं सहित एकजुट विपक्ष से पार पाना होगा। बता दें कि श्रीकांत शिंदे कल्याण सीट से मौजूदा सांसद हैं। श्रीकांत शिंदे MBBS के बाद MS की डिग्री के साथ एक योग्य चिकित्सक भी है। वो पहली बार 27 साल की उम्र में 2014 के चुनाव में संसद सदस्य के रूप में चुने गए और अब तक के सबसे कम उम्र के मराठा सांसदों में से एक बन गए। अपने राजनीतिक करियर के अलावा श्रीकांत शिंदे स्वास्थ्य क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं और उन्हें स्वास्थ्य और परिवार कल्याण पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। वहीं 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों की बात की जाए तो 2014 के चुनाव में कल्याण सीट से शिवसेना के श्रीकांत शिंदे ने जीत दर्ज करते हुए 4,40,892 वोट हासिल किए थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने यहां से श्रीकांत एकनाथ शिंदे को टिकट दिया था। इस सीट पर शिवसेना के श्रीकांत एकनाथ शिंदे ने फिर अपनी जीत को बरकरार रखा और अब 2024 का लोकसभा चुनाव सामने। तो 4 जून की घड़ी का इंतजार अब हम सभी को है। 4 जून का दिन सभी सीटों पर स्थिति साफ कर देगा कि किस प्रत्याशी ने कहां से अपनी जीत का परचम लहराया और किसको हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल चुनावी समीकरण में इतना ही। बने रहिए MKN News के साथ। नमस्कार।